Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Let's start lesson number 2 of research methods. In this lesson, we will discuss research methods. Scientific method of research and its specific features. Research produces knowledge which could be used for the solution of problems as well as for the generation of universal theories, principles and laws. जो भी रिसर्च में काम किया जाता है उसमें ऐसा नॉलेज जो है जनरेट किया जाता है जिसमें हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस का आइडिया होता है, उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. बट ऑल नॉलेज इज़ नॉट साइंस. व्हाट इज़ द अप्रोच और व्हाट इज़ साइंस? ये क्या अप्रोच है, साइंस क्या है, क्या ये सारे का सारा नॉलेज जो है ये साइंस होता है, साइंस से रेलिवेंट होता है या नहीं होता है? तो इसको हम आगे देखेंगे. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस. साइंस इज़ अ वे टू प्रोड्यूस नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड अटेम्प्ट्स टू बी यूनिवर्सल. साइंस जो है ये एक वे है नॉलेज को प्रोड्यूस करने का, और ये जो नॉलेज है ये किसके ऊपर बेस करना चाहिए, ये ट्रूथ और यूनिवर्सल होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स देख लेते हैं विच इज़ साइंस इज़ अ मैथड, अ प्रोसीजर टू प्रोड्यूस नॉलेज डिस्कवरिंग यूनिवर्सलिटीज़, प्रिंसिपल्स, लॉज, थेरीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, री ऑब्जर्वेशन. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि साइंस जो है एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जो कि नॉलेज को प्रोड्यूस करता है और डिस्कवर करता है, यूनिवर्सलिटीज़ को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को देखता है. और ये सारा किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है उसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, री ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. ऑब्जर्वेशन मीन्स एक बार चीज़ को देखा, री ऑब्जर्वेशन मीन्स उसको दोबारा से देखा. ऑब्जर्वेशंस आर इम्प्लाइज दैट साइंटिस्ट यूज सेंसरी एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टडी ऑफ फिनोमेना. दे यूज देयर 5 सेंसेस विच आर पोजेस्ड बाय द एवरी नॉर्मल ह्यूमन बींग. इसमें यह है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ से, किस तरह से डिटेल्स जो हैं वो गेन कर रहे होते हैं, वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं और फिर किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. इसमें क्या होता है, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं और फिर जाके इंफॉर्मेशन गेन करते हैं. अब हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज़ एम्पिरिकल. एम्पिरिकल का मीनिंग होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. सेकंड वन इज़ वेरीफाइएबल. वेरीफाइएबल का मीन्स ये है कि इसको दोबारा से चेक किया जाए, चेकेबल. अब हम देखते हैं कि थर्ड वन इज़ क्यूमुलेटिव, इंटीग्रेटिंग ओवरऑल डाटा, कि जितने का जितना डाटा है, ओवरऑल जो डाटा है उसको इंटीग्रेट करना. इथिकल एंड आइडियोलॉजिकल. नेक्स्ट वन इज इट मीन्स रियलिटी टू इथिक्स, और रियलिटी भी कह सकते हैं, मॉरल अप्रूवल भी कह सकते हैं, कि इथिक्स जो हैं उनको फॉलो किया गया हो, मॉरल अप्रूवल हो, जो चीज़ उन्होंने इखलाकी तौर पे सही कही हो उन्हीं को ही लेके चला जाए. स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन है नेक्स्ट वन इज़, एंड लास्ट इज़ रैशनलिज्म. रैशनलिज्म में हम ये कह सकते हैं कि हाउ रीजन्स, के कैसे रीजन्स दी गई हैं, और ये जो एक काम है उसके पास हैविंग रीजन्स, किसने रीजन्स दी, कितनी रीजन्स हैं, किस तरह के रीजंस हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग रैशनलिज्म में की जाती है. अब हम सबको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एम्पिरिकल. आई टोल्ड यू अर्लियर एम्पिरिकल मीन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक मेथड इज़ कंसर्न्ड विद द रियलिटीज़ दैट आर ऑब्जर्वेबल थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस. ऊपर भी बात हुई कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके ऑब्जर्वेशन की जाती है. इट जनरेट्स नॉलेज विच इज़ वेरीफाइएबल बाय एक्सपीरियंस आर ऑब्जर्वेशन. ये जो नॉलेज जनरेट किया जा रहा है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से भी, अपने ऑब्जर्वेशन से भी. सम ऑफ द रियलिटीज़ कुड बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास. कुछ रियलिटीज़ जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लास में गए वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सारा. द सेम स्टूडेंट्स हैव एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, मोटिवेशंस, एस्पायरेशंस एंड कमिटमेंट्स. दे आल्सो रियलिटीज़ विच कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. इन सबको तो नहीं हम देख सकते, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते, उसका एटीट्यूड किस तरह का है, उसकी वैल्यूज़ किस तरह की हैं, हर एक स्टूडेंट की, मेल और फीमेल की, तो ये थोड़ा इनडायरेक्टली हो जाएगा. एनी रियलिटी दैट कांट बी पुट टू सेंसरी एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी रियलिटी जिसको हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू नहीं देख सकते, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन, कि जन्नत जो है वो है, और डे ऑफ जजमेंट, कि एक दिन आएगा सबका हिसाब होगा, ये सारी चीज़ें अल्लाह जो अच्छे बुरे का हिसाब लेके उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड और पनिश करेंगे. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये साइंटिफिक मेथड में नहीं आती हैं, हम इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रही, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो उसको हम इसके इस डोमेन के अंदर नहीं लाएंगे। सेकेंड वन इज़ वेरीफाइबल। वेरीफाइबल मीन्स चेकेबल। ऑब्जर्वेशंस मेड थ्रू scientific method are to be verified again by using the senses to confirm or refute the previous findings। इसमें ये होता है observation में कि जब verify का मतलब एक चीज़ हुई है उसको हम लोगों ने check करना है और वो checkable है, तो इसमें क्या होगा कि हम senses के through भी उसको use कर देखते हैं कि जो previous findings थी वो किस तरह की थी। Such confirmations may have to be made by the same researchers or others। ये भी हो सकता है कि वो जो confirmations हो रही हैं, जो रीचेक किया जा रहा है, वो सेम जो रिसर्चर था वही कर रहा हो या कोई और भी कर रहा है, किसी और का भी इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में तो वो भी कर सकता है। वी विल प्लेस मोर फेथ इन दोज फाइंडिंग्स। इसमें हमें ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो देखी थी तो वहाँ पे अच्छी थी, मतलब इस तरह से हो सकती हैं, कंक्लूजन्स भी हो सकता है। इफ़ सिमिलर फाइंडिंग्स एमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय अदर रिसर्चर्स यूजिंग द सेम मेथड्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक और रिसर्चर है उसने सेम मेथड को यूज़ किया है, जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर फाइंडिंग्स को देखा, अगर वो सेम आ रही हैं तो वो क्या होगा, वेरीफाइबल होंगी। अब हम थर्ड वन की बात करते हैं, क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग ओवरऑल डाटा। प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ एनी स्टडी बाय द रिसर्चर ट्राई टू स्कैन थ्रू द लिटरेचर एंड सी दैट देयर स्टडी इज़ नॉट अ रेपिटेशन इन इग्नोरेंस। इसमें ये चीज़ देखी गई कि प्रायर जो स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चर्स पहले तो उनको स्कैन करते हैं, उनके लिटरेचर को चेक करते हैं, उनको रीड आउट करते हैं, सारी चीज़ों को, सारा डाटा जो कलेक्ट, सारी डिटेल्स होती हैं उनको एक फोल्डर बना के रखते हैं, फिर उन सबके ऊपर एक गो थ्रू करते हैं, उन सबको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो जो रिपीट हो रही हो या कोई ऐसे पॉइंट्स हो जिनको इग्नोर किया जा रहा हो, तो उनको देखा जाता है। इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील द रिसर्चर्स टेक स्टॉक ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ट्राई टू बिल्ड ऑन इट। इसमें यह है कि री इन्वेंट करना कि एक नया रिसर्चर जो हैं बजाय इसके कोई एक नया सा पहिया बनाएं अपने बिहाफ पे फिर उसको काम स्टार्ट करें, नहीं। इसमें ये होता है कि एग्जिस्टिंग बॉडी जो है लिटरेचर की, नॉलेज की, वो पड़ी हुई होती है और उसी को ही ट्राई करते हैं कि उसके ऊपर बिल्डअप करें। आल्सो द रिसर्चर्स डू नॉट लीव देयर रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू स्कैटर्ड बिट्स एंड पीसेस। हाँ, रिसर्चर्स जो होते हैं वो कभी भी अपनी फाइंडिंग्स को इधर उधर बस फैला हुआ नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको एक प्रॉपर वे में लेके चलते हैं, कुछ पब्लिश करवा लेते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। इस तरह करके जो रिसर्चर्स हैं प्रॉपर एक जो उनकी फाइंडिंग्स आई हैं उनको स्कैटर्ड नहीं फेंक देते। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद लैंग्वेज एंड देयर बाय इन्फ्रेंसेस ड्रॉन द रिजल्ट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड। इसमें ये होता है कि जो चीज़ है उन्होंने देखा है, स्कैटर्ड बिट्स में नहीं है, पीसेस में नहीं है, फिर अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमाइज्ड वे में प्रोवाइड करते हैं। Fourth one is deterministic. Science is based on assumption that all events have antecedent causes that are subject to identification and logical understanding. ये बात साइंस से, वहाँ साइंस में ही assumption है कि सारी चीज़ें जो हैं, जो भी वाक़या हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई cause है, और साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे ही कहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी ऐसे ही हैं, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अगर बिहेवियर शो किया जा रहा है तो उसके पीछे जो हैं कॉजेज़ क्या हैं उनको भी फाइंड आउट करें। फॉर द साइंटिस्ट नथिंग जस्ट हैपन्स। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो जाती, ये बस हो गई है तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर चीज़ जो है एक रीज़न की वजह से होती है और उसके पीछे भी कॉजेज़ होती हैं। द साइंटिफिक रिसर्चर्स ट्राई टू एक्सप्लेन द इमर्जिंग फिनोमेना बाय आइडेंटिफाइंग इट्स कॉजेज़। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या उसमें किया जाता है कि जो एक कॉज है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, फिनोमेना से रेलिवेंट जो है। ऑफ द आइडेंटिफाइड कॉज विच वंस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की 2006 में BABS के एग्जाम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में 67% जो स्टूडेंट्स थे फेल्ड। वट कुड बी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सच अ मैस फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स। द रिसर्चर में ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना एंड कम अप विद वैरायटी ऑफ रीजंस विच मे बी। स्टूडेंट्स भी उसकी वजह हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम अच्छे से ना दिया गया हो, एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा ना हो, तो इन सारे कॉजेज़ को डिटर्मिनिस्टिक वाले इस पोर्शन में चेक किया जाता है। लुकिंग इन टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ रीजंस मे बी गुड मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या है कि अगर बहुत सारी रीजंस के ऊपर काम करेंगे, बहुत सारी रीजंस को चेक करेंगे कि ये इसकी वजह से है, ये किस वजह से है, तो उससे ये होगा कि टाइम भी सेव हो जाएगा और आगे फर्दर उस पर अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है और एक प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। ethical and ideological. ethical means कि कोई भी चीज़ जो है उसकी reasons होनी चाहिए, हर चीज़ उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आइडिया जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए. The conclusions drawn through interpretation of the results of data analysis should be objective. ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी डाटा ऑफ रिजल्ट जो डाटा एनालिसिस हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव हो, ताकि सब्जेक्टिव में ये होता है कि बाइसनेस आ जाती है, इसलिए मोस्टली प्रेफर किया जाता है ऑब्जेक्टिव को. दैट इज़ दे शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स ड्राइव्ड फ्राम एक्चुअल डाटा and not on a subjective or emotional values. For instance, if we had a hypothesis that stated that greater participation in the decision making will increase organization commitment, जितना ज़्यादा आप decision making में participate करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी organization के साथ commitment increase होगी, and this was not supported by the result. It makes no sense if the researcher continues to ignore, argue that increased opportunities for employees would still help. मतलब ये चीज़ें इस तरह से कि एक हाइपोथेसिस था, उसको अप्रूव रिसर्चर को यही लगा कि ये अप्रूव हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन वो उसमें नहीं हुआ, तो इसकी कोई सेंस ना बनी. मतलब ये चीज़ है कि उसने देखा, उस पर काम किया, एथिक्स को देखा कि ये चीज़ें अगर इस तरह से हैं तो इनके ऊपर काम हो तो क्या ये बेहतर हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन. अब हम बात करते हैं जनरलाइजेबिलिटी की. जनरलाइजेबिलिटी रेफर्स टू द स्कोप ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन वन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग टू अदर सेटिंग्स, कि एक रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग्स का जो स्कोप है वो एक सेटिंग में क्या, एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में क्या है, जो एक सेटिंग में वही दूसरी सेटिंग में है, ये ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली द वाइडर द रेंज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस जनरेटेड बाय रिसर्च द मोर यूजफुल द रिसर्च इज टू यूजर्स. फॉर इंस्टेंस, इफ रिसर्चर्स फाइंडिंग दैट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आर फाउंड टू बी द ट्रू इन वैरायटी ऑफ. अब इसमें ये देख सकते हैं कि एक चीज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में हुई, एक सेटअप में हुई है, एक डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को इन्हांस कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो इस चीज़ को देखते हैं. और रिसर्चर्स जो है जनरलाइजेबिलिटी को देखेंगे कि ये वाकई ही ऐसा है, दूसरी सेटिंग में भी ऐसा हो रहा है या नहीं, कहीं और जाके चेक किया जा रहा है. द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स इज इन्हांस्ड. द मोर जनरलाइजेबल इज़ द रिसर्च द ग्रेटर इट्स यूजफुलनेस एंड वैल्यू. जितनी ज़्यादा जनरलाइजेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा उसको यूजफुल किया जा सकता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी. लास्ट वन इज़ रैशनलिज्म. अब हम जब रैशनलिज्म की बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि रीजन्स हों, अंडरस्टैंडिंग्स हों हर चीज़ की. साइंस इज़ फंडामेंटली रैशनल एक्टिविटी. रैशनल मीन्स कि उसकी रीजंस हैं, एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस मस्ट मेक सेंस. रिलीजन में रेस्ट ऑन रिवेलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, गैम्बलिंग ऑन द फेथ, बट साइंस मस्ट रेस्ट ऑन लॉजिकल रीजंस. रिलीजन में ये कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, फेथ है, लेकिन साइंस में जो एक ही चीज़ है उसको देखा जाता है वो है इसका मेन कि इसके पीछे लॉजिकल रीज़न हो. देर आर टू डिस्टिंक्ट लॉजिकल सिस्टम्स इंपॉर्टेंट टू द साइंटिफिक क्विस्ट रेफर डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक. अब जो डिडक्टिव लॉजिक होता है उसमें ये होता है कि हम लोग अब इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं. तो अभी यहाँ तक था हमारा लेसन नंबर 2. यहाँ पर आपको अगर कोई क्यूरी वगैरह हो तो फिर फर्दर इसको रीड आउट कर लीजिएगा. थैंक यू.